दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों अगर आपके पास LIC पॉलिसी है लेकिन प्रीमियम नहीं चुकाने की वजह से वह लैप्स हो चुकी है और लैप्स हुए 5 साल से ज़्यादा नहीं हुए हैं लेकिन आप उसे दोबारा शुरू कराना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC ने बंद पॉलिसी दोबारा शुरू करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। बंद हो चुकी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए खास रिवाइवल अभियान 23 अगस्त को शुरू हुआ है जो कि 22 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत LIC की बंद हो चुकी व्यक्तिगत पॉलिसी फिर से शुरू की जाएगी। इसके लिए प्रीमियम में चूक की तारीख 5 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। रिवाइवल के लिए पॉलिसी धारकों को विलंब शुल्क में 20 से लेकर के 100% तक की छूट मिलेगी। उच्च जोखिम वाले प्लान जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मल्टीपल रिस्क पॉलिसीज के मामले में विलंब शुल्क में छूट नहीं मिलेगी। ऐसी पॉलिसी जो प्रीमियम भुगतान वाले टर्म में लैप्स हो चुकी हैं और रिवाइवल डेट तक जिनका पॉलिसी टर्म पूरा नहीं हुआ है उन्हीं को इसका फायदा मिलेगा। 1,00,000 रुपये तक बकाया प्रीमियम के विलंब शुल्क में 20% तक छूट मिलेगी और अधिकतम छूट है 2,000 रुपये। वहीं 1,00,000 रुपये से लेकर के 3,00,000 रुपये तक बकाया प्रीमियम के विलंब शुल्क में 25% तक छूट मिलेगी और अधिकतम छूट है 2,500 रुपये। 3,00,000 से अधिक के बकाया प्रीमियम के विलंब शुल्क में 30% तक छूट मिलेगी और अधिकतम छूट है 3,000 रुपये। माइक्रो इंश्योरेंस प्लान के मामले में बकाया प्रीमियम के विलंब शुल्क में 100% तक छूट यानी कोई भी विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप इस अभियान का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जान लीजिए कि लैप्स पॉलिसी को दोबारा कैसे शुरू करना है। अपने एजेंट से बात करें या जिस दफ्तर से पॉलिसी जारी हुआ है वहां जाकर संपर्क करें। पॉलिसी का मूल दस्तावेज रहना चाहिए, पॉलिसी रिवाइवल फॉर्म भरना होगा, मेडिकल रिपोर्ट, बकाया प्रीमियम और पेनल्टी भरनी होगी। मेडिकल रिपोर्ट कराने का खर्च पॉलिसी होल्डर को देना होगा। साथ ही रकम पर कंपनी द्वारा तय की गई दरों से ब्याज की रकम भी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी और एफिडेविट जमा करना होगा और अब तो आधार भी जरूरी हो गया है। तो इस तरह से अच्छा मौका है उनके लिए जिनकी LIC पॉलिसी लैप्स हो चुकी है और वो दोबारा शुरू करना चाहते हैं। कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि लैप्स हो चुकी पॉलिसी को रिवाइव कराएं या फिर उस पॉलिसी की जगह पर कोई नई पॉलिसी खरीद लें तो कैसा रहेगा। पुरानी पॉलिसी को दोबारा चालू नहीं कर नई पॉलिसी लेने का विकल्प है आपके पास, लेकिन पुरानी पॉलिसी के मुकाबले नई पॉलिसी महंगी होगी क्योंकि उसी पॉलिसी के लिए ज़्यादा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा क्योंकि तब पॉलिसी लेने वाले की उम्र ज़्यादा हो जाती है। पॉलिसी लैप्स होने की वजह क्या है तो प्रीमियम जमा करने की निश्चित तारीख और ग्रेस पीरियड के दौरान भी प्रीमियम नहीं जमा करने पर पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अब है ग्रेस पीरियड क्या होता है। ग्रेस पीरियड मतलब उस दौरान बिना इंटरेस्ट या जुर्माने के पॉलिसी का प्रीमियम जमा करना। मासिक प्रीमियम भरने पर प्रीमियम जमा करने की निश्चित तारीख से 15 दिन तक और तिमाही, छमाही या सालाना प्रीमियम भरने पर प्रीमियम जमा करने की निश्चित तारीख से 30 दिन तक ग्रेस पीरियड होता है। हालांकि हर कंपनी और कुछ पॉलिसी के लिए यह अवधि अलग अलग हो सकती है। ग्रेस पीरियड के समाप्त होने के बाद प्रीमियम जमा नहीं करने पर पॉलिसी लैप्स मानी जाती है। पॉलिसी लैप्स होने का मतलब क्या है। पॉलिसी खत्म यानी लैप्स हो जाने का मतलब यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस का कोई भी फायदा उसके आश्रितों या फैमिली या नॉमिनी को नहीं मिलेगा। जब तक आप पॉलिसी फिर से शुरू नहीं कराते पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के नियम और शर्तें अपने आप समाप्त हो जाते हैं, यानी आपको सभी लाभ मिले यह जरूरी नहीं है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों ये हमारी 7 किताब है जो कि Amazon पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।